खड़े रहने का करके दो, क्योंकि उन लोग का क्या कहना है, जब हमने ये प्लान दिया था ना तो हमने रिक्वेस्ट किया था, हमको वो जो है ना वो वैसा है ना वैसा करके दो, लेकिन वो होने का अभी है नहीं। लास्ट टाइम भी बहने नहीं उतरी, एक दो जो जिसको पोने आती किया, इस बार भी वैसा ही करेंगे। एक मिनट बोलू, बोला की ज्यादा फाइल बन ली ना त्यावेळेस कोणीच नव्हतं, बरोबर आहे, उगा नंतर बोलायचं नाही। ये पॉसिबल नहीं है। अरे आशीर्वाद कौन घेना, बरोबर आहे, अरे एक माणूस जरी बाई जरी पडली आणि गेली ना आम्हाला किती त्रास होईल, तुम्हाला पण त्रास होईल। ऐसा स्रोत पाणी में नहीं दे सकते, होईल का कुठं, शक्यच नाही। बोलते बना के देंगे अगले टाइम बना के देंगे। हेच आहे की आम्हाला आता ही छट पूजा जवळ आली, होणार नाही तसं, चुकीच्या पद्धतीने काम करणार नाही। घाटाला तीन ते आहे ना, हो प्रॉमिस नाही, करू करू प्रॉमिस नाही, आपण पास करू। अहो हे 20 फूट खोल आहे, घ्याला साईज मॅडम, आता पहिला तलाव इथपर्यंत होता, त्याच्या पलीकडे करूया। हा ते जरा प्लान करा गोसावी साहेब, तुम्हीच करून देणार आहे ते, तुम्हीच करणार, आम्ही काय करायचं, मी उतरू इथे आंदोलन करेल पाण्यात उतरू ना। अरे अभी खरडी में तलाव कैसा 40 फुट लंबा पैर है आपका, उधर आराम से जा सकते हैं, वो कैसे स्लोप में है, ये भी स्लोप में था पहले, ये उधर से स्लोप था, किधर से ये जो रास्ता है ना, ये रास्ते में तलाव था बेटा, ये तलाव कैसा था मेरे को मालूम है, ऐसा स्लोप था, मट्टी का तब अपने को जमता था, मगर अभी वो डायरेक्ट डेप्थ हो गई, कैसे चलेगा, डायरेक्ट सडनली ड्रॉप। एक बार और जब फाइल बनी थी तब तुम्हारा कोई भी आदमी नहीं आया था, भले साहब के पास काम होने दो, मगर मेरे को मालूम है अभी चेंजेस करने के जाएंगे सडनली 10 दिन में, वो तो होने नहीं, नहीं, बोला ही नहीं, किसने बोला ही नहीं, किसने बोला आपको, किसने बोला, कोई सांगितलं यांना का आता बनवून द्या, कोई नहीं बोला, कौन बोला, किसी ने बना के दो, अभी खुद से बोल रहे, खुद से बोल रहे, नहीं अभी कोई बना के देने का बोला नहीं, हमको नहीं पता जादू है क्या, तो जादू कर सागर जी, कोई विषय होत नहीं, ऐका जरा आपण काम करू, आपण हे सांगितलं ज्यांना आपण नेमलंय भाई, नहीं हो पाएगा कॉलेज जाने को, क्या कर रहे हो, कॉलेज जाना है ना, ये किया, अच्छा हां ये हो गया, अभी बैरिकेडिंग कर देने, किधर हुआ बताओ, अपन इधर नहीं आ रहा, समझते हो, ठीक है, व्यक्तिगत इनको नहीं मालूम होगा वो चीज, लेकिन प्रशासन को मालूम चाहिए, नहीं नहीं हां विरोधी पक्ष नेता ने यहां पर ये किया था, लेकिन अपना क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग फॉलोवर उठ के हैं, हां अपने ही दांत अपने ही वोट, इसलिए हमने आंदोलन नहीं किया, हाँ इसका मतलब हम चुप नहीं थे, हमने हमारे घर के इंसान पे विश्वास किया, ये गलती की है क्या, मैंने हमारी गलती पे गलती तुम निकालते जा रहे हैं, अभी सुनो मेरे, वो जो अपना कटोरा बना है ना 4 फुट 5 फुट, मैंने तुम्हें समझता ना, आपका तुम्हें जब आरोप करता ना पब्लिक मध्ये आलं ना, जब तुम्ही पब्लिक मध्ये आमच्यावर आरोप करता ना, तर आमची बाजू पण समजून घ्या ना, मी तुम्हाला आलं का बोलून, आता मी बोलला बोलू, मी तुम्हाला घरचं मानते तर तुमच्यावर आरोप करत नाही, म्हणजे मी मूर्ख आहे का, तसं माझं आता झालं का बोलून तुमचं सांगा, आता हा कट जर हे असं करत असेल तुम्ही, आपण भिंतीपासून स्लोप दिला असता, अहो सगळं झालं होतं बोलून, त्याचा वायदा पण झाला होता, हां भिंतीपासून स्लोप दिला असता, मग आम्ही ओरडून बोलत नाही, दादागिरी करत नाही, जाऊन स्वतःच्या खिशात खर्च करत नाही, म्हणजे आम्ही मूर्ख नाही, झाला का विषय, आता बोलायचं नाही, आता मी काय बोलायचं नाही, एक माझं ऐकून घ्या ना, आम्ही घर अरे बाबा माझं माझं तुमचा विषय झाला तर मी बोलतो, आपली तुमची माझ्या आठवड्याला भेट होत असेल, होते ना, होते का नाही, साहेब छट पूजेचं आपल्याला काम करावं लागेल, एक मिनिट तुम्ही आहे ना उगीच समोरच्यांच्या समोर आमचा हसू करण्याकरता नका बोलू, मी तुम्हाला त्याचं मूळ कारण सांगितलं की आपल्या माणसांनी दिलेला वायदा होता म्हणून आम्ही गप्प होतो, क्या आप लोग आपसे क्या मांगनी की है लोगों ने वो तो बताइए, ये जो लिखित अभी तक एक भी लेटर नहीं है, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, अच्छा। लिखित हमको डिमांड किसी का नहीं है, मगर अभी उन्होंने जो सजेशन दिया है, एक मिनट अभी सजेशन जो दिया है वो कंसल्टेंट को दिखाएंगे, क्योंकि 1500-2000 वन स्ट्रोक में महिलाएं आएंगी, तो ये अभी तालाब की डेप्थ 20-25 फुट सेंटर में है, साइड से भी 15 फुट है, नहीं नहीं ये मैं आपका बात काट के बोल रही हूँ, 4 दिन पहले कमिश्नर साहब को लेटर चला गया, ये मेरा लेटर गया है, अभी तक मेरे पास तो नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ये कमिश्नर साहब के पास गया है, मनीषा ताईंचं विजिट झालं, त्याच्यानंतरच आपण हे आपलं टीएमसी ने जो बोला की ये हम करेंगे, ये इतना जल्दी नहीं होगा, वो संस्था ने चालू कर दिया, और टीएमसी और संस्था उन्होंने संस्था और टीएमसी ने मिलकर काम चालू किया, दोनों जगह से ताकत लगेगी, तो 30 तारीख को तलाव तैयार होएगा करके, मगर फिर मैं बोल रहा हूँ इनके सामने, मैं उसका मेरे ऐसा था कि इधर अपन आगे कंक्रीट करते थे, इधर बैठते थे, 10-10, 15-15 का ग्रुप बन के पानी में जाता था, पूजा करता था और बाहर जाता था, ऐसा मगर अभी ये लोग पानी में एक बेडरूम पानी में उतर के पूजा, मगर अभी तालाब का सडनली डेप्थ बन गया है 15-20 फुट का, उसका कोई गिर गया, ये हो गया, तो रिस्क हम तो नहीं लेंगे टीएमसी, इसके लिए मैं क्या बोलता था,
इधर बाहर कंक्रीट भी हो जाता था, पूजा भी करते थे, और जो कुछ छोड़ने का रहता है पानी में उधर जाके छोड़ देते थे, या 15-15 का ग्रुप करके अपन छोड़ते थे जिसको पूजा करने का है वो सिस्टम। गोस्वामी साहब, इन लोगों का ऐसा कहना है कि अभी तो फिलहाल ऐसे कर लेंगे, लेकिन बाद में इस तालाब के चारों तरफ सीढ़ी बनाकर दिया जाए। वो कंसल्टेंसी आरसीसी कंसल्ट कौन रहेगा, वाटर में काम पानी में काम करना पड़ेगा। जब ये पानी भी कम होना मांगता है, अप्रैल मई में पानी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके डेप्थ तुम लोगों को भी मालूम पड़ेगी कि कैसा स्लोप देना पड़ेगा, और तालाब का जो साइज है वो भी कम नहीं होना मांगता है। अभी तालाब इधर से था पहले, अभी कम होते 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 40 फुट तो कम हो गया, नहीं तो और पायरी बनाएंगे जैसे, तो तालाब कितना रहेगा, वो डबका ही बनेगा ना, वो भी सोचना पड़ेगा ना अपने। गोसाई साहब, पिछले साल भी ऐसे कहा गया था कि बना के दिया जाएगा जून जुलाई में, लेकिन बना नहीं, पिछले साल में कोई अधिकारी आया ही नहीं। मैं भी मैं आया था और सुधीर गायकवाड़ साहब भी आए थे, मगर ये कंसेप्ट जो है ना अंदर उतरने का, तो अभी मेरे को मालूम पड़े, मैं बोलता था अभी क्या करने का इनके लिए, क्या कैसे करते, वो कंसेप्ट ही नहीं मालूम था। नहीं, अभी बोलते वो पानी में उतर के ही करना पड़ता है, तो ठीक है। हम फिर जी बुलाया, आपको क्यों बुलाया गया था पहले वो आपको बताइए, आपको क्यों बुलाया गया था? तब वॉल भी नहीं बांधी थी, वो बाद में बनाया गया था ये वाला, हाँ बाद में बनाया गया था, काम अधूरा था, ये गेट बाद में बना था और ये बाद में बना था। हाँ वो नहीं था बोल के आपन क्या किया, उनको जो जरूरी था वो करके, वो अर्जेंट में करके दिया गया। वो बोलते थे उसी टाइम नहीं हमको स्लोप ही मांगता है, तो अपन उसके भी एक साल पे पहले मिलता था टाइम, लेकिन उस टाइम भी आप लोगों ने कहा था बनाकर देंगे, लेकिन दिए नहीं। अभी मेरे को क्लियर कंसेप्ट मिल गया कि इनको मैडम ने भी बोला, ये मैडम ने भी डिस्ट्रिक्ट मैडम नहीं, वो क्या सवेरे 5 बजे आया मैंने आपको पूरा, फिर पूरा पूजा, फिर वो पूजा छठ पूजा अंदर पानी में ही उतर के पूजा करना पड़ा था। ये मेरे को पहली बार, नहीं तो पिछले साल में बोलते थे तो उसका भी आइडिया कुछ लगा नहीं था। गोसाई साहब, कुछ ऐसा गए साल में मेरे को बोले कंपाउंड वाल बांध के दे दो, बाहर साफ सफाई करके दे दो, और वो पानी बांध के दे दो, मैं करके दिया। गोसाई साहब, जैसे 2 साल से छठ पूजा का यहाँ पर हो रहा है और तालाब को लेकर ऐसे ऐसा मुद्दा उठ रहा है, तो मनपा को ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि ये मुद्दा ही खत्म हो जाए, उस हिसाब से काम करके खत्म कर देना चाहिए। उसको पाठ पुरावा कैसा करना मांगता है अभी से अगले टाइम के लिए? ये बात भी सही, आप लोग पाठ पुरावा क्यों नहीं करते मनपा से? पाठ पुरावा किए थे हमने, बात भी किए थे, वो सर जो है ना, वो क्या नाम है सर का, अभी सामने ही आपके गोसावी साहब बोल रहे हैं कि पाठ पुरावा नहीं करते। हम लेटर उनको दिए थे यहाँ पे जाके, तो बोले ठीक है हम आएंगे, वो आके भी यहाँ पे गए थे, वो मिले भी थे और वो देखे भी थे, हाँ बोले कि ठीक है ये सब एक काम कर लो, ऐसा ऐसा करके ले लो। अभी तक सुन मेरी बात, वो भी हमारे एमसी साहब है जी, वो कैसे कि सराउंडिंग तुम्हारा जो थिंकिंग है ना उन्होंने देखा जी, ये बात बराबर है, मगर और एक बार नहीं 2-3 टाइम आ रहे वो बात बराबर है अभी, मगर मेरे को मालूम था पानी की डेप्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, कितना चौड़ा बनाया, किधर खोदाई किया, ये मेरे को मालूम है जी। वो हिसाब से मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि जो तुम्हारा उतरने का है अंदर उतर के ही करना पड़ता है, मगर उधर भी कैसा लास्ट का जो स्टेप्स रहेगा उधर भी ग्रिल लगाना पड़ेगा अपने, ताकि पैर भी फिसल गया तो भी अंदर नहीं जाना मांगता है। सर आप खड़ी गाँव गए कभी? खरेड़ी गाँव का तालाब मैं बांधा है, बांधे ना, मैं उधर देखता हूँ ना, नीचे क्या सेफ्टी दी है बताइए जरा। उधर उधर वही बोल रही है वहाँ पे, लेकिन सेफ्टी क्या है उधर? वो तालाब का स्लोप ऐसा है बेटा, तालाब का स्लोप ऐसा ऐसा ऐसा, पहले पानी इधर लगता है, बाद में इधर लगता है, लेकिन स्लोप नहीं, इधर ऐसा नहीं, सीढ़ी भी है डायरेक्ट सर, वहाँ सीढ़ी भी है, सीढ़ी है रे बेटा, सीढ़ी के बाद में कैसा है ऐसा स्लोप है पानी को, हाँ। उतर 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 जा सकते हैं, इसमें क्यों नहीं है, इसमें नहीं है स्लोप, तो क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है ना, ये तुम्हारी डिमांड थी ना, हाँ, उसी के लिए। तो आज मैं क्या बोला कि तुम अभी मेरे को मैडम ने केवल अंदर पानी में उतर के पूजा करना पड़ता है। गोसाई साहब, इनका वही कहना है कि जब तालाब की दीवार उठाई जा रही थी तो उस टाइम पे ऐसे डायरेक्ट क्यों कर दिया गया, ऐसे स्लोप बना देना चाहिए था। 4 साल 5 साल 10 साल अभी 2 साल से चालू है, उससे पहले 2 साल कोविड ही था, बराबर है कि नहीं? हमको तो ऐसा है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या मांगता है ये अभी आज समझ में आया। तो अभी क्या लग रहा है, कैसे पूरा करके देंगे इनको? रिस्क की जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, व्यवस्था क्या रहेगा मनपा का? ऐसा ज्यादा से ज्यादा बैरिकेडिंग करेंगे सेफ्टी के लिए, और लोगों को बोलेंगे आराम से एक साथ में 1,500 मत आओ, 200 आ जाओ फिर कल आओ, ऐसा रहेगा? अरे नहीं रे बाबा, 10 मिनट में पूजा कितना मिनट में रहता, 2-5 मिनट में रहेगा सर, यही तो बात है, पहले आप आके देखो पूजा होता कैसा है, कितनी देर लगती पूजा, ये भी क्या हो रहा है, 1 मिनट अभी 4 बजे ना लोगों का आना चालू हो जाता है पूर्ण पूजा करते उभी राहून बाजूला, आता काय आहे
आता तुम्ही तेवढं करून द्या, आज आपण ह्या टायमाला जेवढं होत असेल तेवढंच आहे. लास्ट सवाल है कि क्या किया जाएगा अभी हर साल की मगजमारी जो हो रही है यहाँ पर. कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोला गया अभी अभी कंसेप्ट इनका कैसा पूजा होता है ना, अभी मेरे को दिमाग में आया, पहले तो नहीं आया था. ये भी देखेंगे तो और अच्छा आएगा. ठीक है, देखने के लिए भी आऊँगा. अभी कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया. वो हिसाब से करने के लिए और कोई एक्सीडेंट भी नहीं होना मांगता, वो हिसाब से अपन को डिजाइन करना पड़ेगा. वो स्लोप है ना जो कितना देने का, पानी 2 फुट रहेगा, इनका भी मतलब सॉल्व हो जाएगा और टेक्निकली किसी की कैसी जान बचेगी ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए भी आपको कोई जान नहीं जाना. गोसावी साहब कह रहे हैं उनको अभी जानकारी मिली कि कैसे पूजा होती है यहाँ पर, क्या होता है, तो उस हिसाब से आप भी कैसा पत्र व्यवहार करके करेंगे. देखिए 4 से 5 दिन पहले मैंने कमिश्नर साहब से जब ये शुरू किया क्या बाबा ये ऐसा ऐसा पूजा है, उनको भी ऐसा लगा ऐसा है क्या, तो उन्होंने कहा इस बार जितना हो सकता है हम करके देंगे रिधा, बाकी का आगे आप जैसा भी बोलेगे आप फॉलो अप करना उस पर होगा. लेकिन गोसावी साहब ने अभी देखा, उनको पता ही नहीं था पूजा क्या है, पूजा कैसे होती है, पूजा की विधि क्या है, जो मैंने उनको अभी समझाया आप ही के सामने समझाया. तो अभी ऐसा है कि जितना हो सकता है, संस्था भी खड़ी है टीएमसी के साथ, और जितना होगा वो मैं देख रही रह रहा. आप लोग कलर का काम है, स्वच्छता का काम है, कलर के पहले घसाई का काम है, और नीचे महिलाओं को बैठने का काम है, बाहर की व्यवस्था का काम है. पहली बार मुमरा में इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है छठ का, इसलिए जितना हो सके उतना ही तैयारी का ध्यान में खुद बनाए रखी हूँ या कि बाकी भी लोगों ने बनाए रखा है. तो बस इस बार देखोगे आप लोग सभी क्या इस बार छठ पूजा बहुत अच्छे से बनाई गई है यहाँ पर.